विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी था। खबर रीवा जिला से आवत लागी, जहां महिला अपराधन पर रोक नहीं लग पाए रही है। बताई दे के आए दिन मारपीट, दहेज प्रताड़ना के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हो रही है। एक बार फिर दिल दहलाए दे वाली घटना रीवा जिला के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में घटित भई ही। बताई दे के 11 साल के मासूम का हवस के शिकार बना हुआ है। अपना पंजन का बताई दे के आरोपी गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाला यार। पीड़िता बताई इसके आरोपी जितेंद्र उर्फ कल्लू विश्वकर्मा अपने घरे में किशोरी का दुष्कर्म के शिकार बनाई सी। तकलीफ होए पर पीड़िता घटना की जानकारी परिजन का दीज, जे के बाद परिजन घटना के जानकारी पुलिस का दीन ही और किशोरी का इलाज के खातिर अस्पताल पहुंचावागा। बतावा जात है कि किशोरी अपने सहेली का ढूंढ है पड़ोस में पहुंची, जे के बाद आरोपी झांसा दई के कमरा में भेज दीस और पीछे से खुद पहुंच के कमरा बंद कई के वारदात का अंजाम दीसी। मासूम का तकलीफ बढ़ी, जे के बाद घर वाले पूछिन ता पूर घटना बयां की हिस। बताई दी कि पीड़िता खतरा से बाहर बताई जात लागी। घटना के जानकारी के बाद पुलिस मामला दर्ज कई के आरोपी का हिरासत में ले लीस और पूछताछ कर रही ही। गोविंदगढ़ में एक छोटी बच्ची के साथ में जो घटना प्रकाश में आई, जो कि उनके पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति द्वारा की गई थी, इस प्रकरण में भी तत्काल FIR पंजीबद्ध करने के साथ ही आरोपी को तत्काल राउंडअप किया गया और इसमें हमने विवेचना भी TI रैंक की महिला अधिकारी को सौंपी है, जो आगे मॉनिटरिंग DSP महिला अपराध द्वारा की जा रही है और हमारा प्रयास रहेगा इसको चिन्हित अपराध में रख के विवेचना में पूरा अच्छे से संपन्न करा के उसको जल्दी चालान पेश किया जाए और आरोपी को सजा दिलाई जाए, इससे समाज में एक संदेश जाए। अभी हम लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड है और उसके पश्चात ही आगे की कार्रवाई हम आपको संज्ञान में आपको जो भी आएगा बताएंगे। खबर रीवा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र से ही, जहां 5 दोस्त पार्टी मनावे पहुंचे ता एक ठे दुर्घटना के शिकार हुई गा। जेकर घटना स्थल मां जान चली गए। घटना के बाद दोस्तन मां अफरा तफरी के माहौल बनेगा। पुलिस का सूचना दीन गए ता मौका मां पहुंची पुलिस, खाई से सबका बरामद कई के पोस्टमार्टम करावे का दीसी। बताई दी कि सिमरिया थाना क्षेत्र के बमनी के रहने वाले सचिन सिंह अपने 4 साथी संजय शैलेंद्र और सत्यम और मितुल के साथ गांव के पास है परवलिया पहाड़ में पिकनिक मनावे गए रहे, जहां रात के 12:30 बजे पार्टी मनावे के दौरान सचिन सिंह गहरी खाई में गिरेगा, जेखर मौत हो गई। घटना के जानकारी मिलते है SDOP मौका में पहुंचे और मौका मुआयना की ही नहीं और स्थानीय पुलिस मामला के जांच करत लागी। अपना पंचन का सुनाई थे अगले मामला कले के पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन का जानकारी दी नहीं। वहाँ से कड़ियल चलाए, यहाँ तक उसको मारा, मैं यहाँ से था तो मैं पकड़ा कि मेरे को यहाँ पे लात मारे, सामने वाला पकड़े तो उसको मारा, फिर उसको मारा, देखिए तो वो जूता पहने तो दबा के मार देते थे हम लोग। सिमरिया थाना क्षेत्र में ये घटना प्रकाश में आई थी कि कुछ लोग किसी कार्यक्रम में हैं और वहाँ पे उसके पश्चात एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है, उनकी बॉडी वहाँ पर है। तत्काल थाने की टीम भी पहुँची है और SDOP भी मौके पर ही है और अभी वो परीक्षण कर रहे हैं, बॉडी को वहाँ से निकाल के PM कराया जा रहा है और बाकी लोगों के कथन लिए जा रहे हैं और पूरा जाँच प्रारंभ उसमें कर दी गई है, उसके पश्चात ही हम लोग आगे उसमें जानकारी आपको देंगे। खबर रीवा जिला से ही, जहां स्वागत भवन के पीछे खाली पड़ी जमीन में अवैध रूप से कब्जा करवावा गया रहा। बताई दे कि सफी नाव के आदमी के द्वारा सर्विसिंग सेंटर खुलवाए के 10,000 रुपया वसूला जात रहा है। जब उक्त अतिक्रमण मां नगर निगम के नजर पड़ी तो अमला पहुंचा और अतिक्रमण का गिरावे के कोशिश करी और मशीनन का जब्त कर ली। दुकान संचालक सगीर बताए इनके 1.5 साल से सफी नाव के आदमी के द्वारा 10,000 रुपया लीन जात रहा है और उसे सर्विसिंग सेंटर संचालित करे के छूट दीन गई रही। अब फोन में बात करे में उसे संपर्क नहीं हो पावा रहा है। आज बताई दे के जमीन नगर निगम की आय, जेके सौहे वक्फ बोर्ड के दुकान बनी ही, जोने में कई अठे अवैध रूप से दुकान संचालित होत रही है। आई अपना पंचन का दिखाई था नगर निगम के कार्यवाही और सुनाई था अतिक्रमण करे वाले दुकानदार का, उस सफी नाव के व्यक्ति मां कौने मेर के आरोप लगाई थी। मोहम्मद सबीक अंसारी, क्या मामला है आपकी दुकान का? यहाँ ये सगीर भाई आज 1.5 साल से हमसे 10,000 रुपये हर मंथली ले रहे हैं पेमेंट, और अवैध ले रहे हैं क्योंकि जब यहाँ उन्होंने सर्विसिंग का सेंटर डाला था हमने ले लिया तो उन्होंने हमको रसीद नहीं दी ना ही कोई कागज़ दिया, सिर्फ हमसे किराया हर मंथली वो 10,000 रुपये ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप यदि सगीर भाई नहीं वो कर पा रहे हैं तो हमारा पेमेंट हमको वापस करवा दे, हमें इंसाफ दिला दे। आपने किसके कहने पे दिया था 10,000 महीने? हम सगीर भाई के कहने पे। ये जमीन किसकी है? ये जमीन वक्त बोर्ड और नगर निगम उसमें चल रही है अभी। ये
किराए के तौर पे दे रहा है? जी हाँ, किराए के तौर पे हमसे ले रहा है। ज़बरदस्ती का मतलब ये है कि जो ना कि उनके पट्टे की ज़मीन है, ना ही उनकी वो है, ना हमसे कोई लिखा पढ़ी कर रहा है। वो हमसे सिर्फ हर मंथ 10,000 रुपये ले रहे हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं? हम 1.5 साल हो रहे हैं जी। हाँ, मतलब 1 साल 1.5 साल से पैसे दे रहे हैं। तो किसी के मतलब बात करने पे नहीं, सगीर भाई के कहने पे सगीर भाई बोले कि हमको हर मंथ 10,000 रुपये देते रहिए, अपना काम करते रहिए। अब क्या कह रहे हैं वो? अब वो अभी फ़ोन लगाएं उनको तो फ़ोन उठाए हैं तो बोले कि हम बाहर, हमसे बोले कि आप आइए, नगर निगम मशीन ले जा रही है और गोमती ले जा रही है, उसके बाद बोले कि आप अपना बात करो, जो करना हो वो सामने नहीं आ रहे हैं। कुल मिला के गुंडा टैक्स? हाँ। इसकी शिकायत आपने कहीं किया है? अभी नहीं, कि मगर आज ज़रूर हम प्रशासन से करना चाहेंगे शिकायत। कमेटी वगैरह? कमेटी से करेंगे, प्रशासन से भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सबीक अंसारी। कितनी दुकानें हैं आप जैसे लगभग यहाँ? तो दुकान काफ़ी है, हालांकि अभी तो और आगे की जानकारी नहीं, मगर हमें अपनी जानकारी है। आप ही बस से लेते हैं पैसा क्या और दुकानों से लेते हैं? नहीं, हमसे ही ले रहे हैं यहाँ, जो उन्होंने कब्जा कर और दुकानदारों से नहीं ले रहे हैं। कौनो बड़ी वारदात का अंजाम दे के फिराक में घूमत रहा युवक का पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ स्टेनो अपने साथी के साथ देखिन त युवक से पूछताछ की। संदिग्ध अवस्था में मिला युवक के तलाशी ले ओके पास पहुंचे त ओके लगे से पिस्टल बरामद भई। पकड़े गए लड़का से पुलिस पिस्टल उपलब्ध करावे के वाले मुख्य सरगना तक पहुंचे के प्रयास करत लागी। आइए अपना पंचन का सुनाई थैन कि कीन गए कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन का जानकारी देत लागे। कल रात्रि में एक युवक को पूछताछ की गई रोक के, उसके पश्चात चेकिंग के दौरान उसके पास एक कट्टा प्राप्त हुआ है। अभी उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, साथ ही उससे सोर्स पता किया जा रहा है कि उसको ये कट्टा कहाँ से मिला। अगर आगे कुछ और चेन बनती है तो हमारा प्लान उसको भी आगे हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। हमारे ऑफिस में पदस्थ स्टेनो और उनके साथी ने इस दौरान जब भ्रमण कर रहे थे वो लाइन में, तो उस दौरान उनको एक व्यक्ति संदिग्ध दिखा, उन लोगों ने अच्छा एक्शन लिया और उसको रोक के पूछताछ की और उस कारण से ये व्यक्ति पकड़ में पाया। रीवा में यह दिनन एक से बढ़ के एक भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं, खास करके शासकीय जमीन चाहे वह ग्रीन जोन के हो या आवासीय कॉलोनी में, जेखा जितने मिल रहा है उतने कब्जा करे में लगे हैं। बता दें कि यह मामला छोटी दरगाह के पीछे किया, जहां सवेरे एक ठे अतिक्रमणकारी का नगर निगम कर्मियन के द्वारा हटावा गा, दूसरे की शिकायत में एक और व्यापारी के द्वारा वैध रूप से दीवार बनाई जात रही है, जेखा हटावा गा, जेखे बाद नगर निगम अमला पर व्यापारी आरोप लगाई सी और कहीं इसके विशेष वर्गन के खातिर छूट दीन जात लागी, जबकि ओखे द्वारा आपन पुरान जर्जर दीवार का सुरक्षित करे खातिर दीवार उठाई जात लागी, जेखा गिराए दीन गा है। अपना पंचन का बताई दे कि छोटी दरगाह के पीछे बहुत जमीन खाली पड़ी है, जौने में अतिक्रमण खातिर राजनीतिक पहुंच के लोग दमखम लगावत लागे। हालांकि नगर निगम अमला एका गंभीरता से लिही सी और दूनों के अतिक्रमण का हटाए दिन गा है। आई अपना पंचन का सुनाई थे कि अवैध रूप से बनी दीवार निर्माण कर रहे व्यापारिन का आरोप लगाई थी। मनोज बजाज, क्या ये दीवार क्रैक थी, दीवार की रिपेयरिंग करा रहा था। लोग क्या है, रात में शराब पी के यूरिन करते हैं, यहाँ कचरा फेंकते हैं, पूरी बदबू आती है, रिपेयरिंग करा रहा था। तो अब आप देख रहे हो, 181 में कंप्लेन करो तो 5 दिन में प्रशासन नहीं जगता है। हमारा 2 फुट का इनको दिख गया अतिक्रमण है, एक विशेष समुदाय के प्रति जो भी रखते हैं भावना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज कार्यवाही किसी के साथ नहीं हुई, सिर्फ मेरे साथ हुई। मेरी वॉल को गिरा दिया गया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ, दीवार भी क्रैक है, आप लोग देख ही रहे हो, आपके वीडियो में है, दीवार क्रैक थी, तो दीवार क्रैक का मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर बनवा ले दीजिए मेरे लिए, कभी वॉल गिर गई अगर। ये लोग बोल रहे हैं कि भैया हमारी है, हमारी है, सरकार बोलती हमारी है, भगवान जाने। बाकी एक विशेष समुदाय को जमीन आवंटन हो जाती है, हमें आपको नहीं होगी, हम आप लेके दिखा दे, यह हाल होगा। तो ये क्या कल कुछ वाल क्रैक है मेरी वॉल, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रशासन से कि अगर वो गिरी और कोई मरा या घायल हुआ, उसका पूरी जवाबदारी प्रशासन की है। नहीं, गलत बात, मैं तो दिन में उठा रहा हूँ दीवार आपके दिन, सामने है दिन, दिन। और मैं कोई बहुत मजबूत दीवार नहीं। क्या नाम से संचालित है यहाँ पे? जी दुकान किस नाम से संचालित है? दुकान तो भाई की है, तो
ठीक है, दीवार आपने देखी बहुत वीक है, कोई बहुत मजबूत नहीं उठाई। मैं तो सिर्फ बाथरूम और कचरा रोकना चाह रहा था। यहाँ पे इतना कचरा कोई फेंक के जाता है, आज तक कोई सुनने नहीं आया। प्रशासन को दीवार दिख रही है, कचरा नहीं दिख रहा है, बदबू नहीं दिख रही है ना। बोलते हैं कोविड में हम साफ सफाई करेंगे, क्या खाक कोविड में साफ सफाई करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी प्रशासन की लापरवाही है साहब। दो दो गुट बटे हुए हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसके बगल में ही जस्ट और अतिक्रमण, बहुत अतिक्रमण है भाई साहब। इनकी रातों रात बनती है, मैं तो दिन में बनवा रहा हूँ, उनकी रातों रात बन रही है भाई साहब। मेरा मनोज बजाज। आज खातिर इतने, बघेरी में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।